रमजान भी गुजर गए, ईद भी गुजर गए। ईद और रमजान आप लोगों का कैसा गुजरा और आप लोग हमारे डेली व्लॉग्स एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो जी, ईद एंड रमजान से फारिग होकर आज हमें एक डे मिला है। ईद के बाद हम आज जा रहे हैं मूवी देखने, और मूवी हम कौन सी देखने जा रहे हैं? मूवी हम देखने जा रहे हैं जॉन विक का फोर्थ पार्ट आया है, वो हम देखने जा रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि मैंने पहले के भी तीन पार्ट उसके नहीं देखे, जैसे मैंने कहानी सुनी है तो मुझे कहानी सुनकर समझ में आ गया है। तो आज हम जा रहे हैं देखने जॉन विक, तो देख के मैं आप लोग, एक्शन मूवी है वैसे तो, एक्शन मूवीज मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ, लेकिन सुनने में आया कि वो बहुत अच्छी है, तो आज मैं जा रही हूँ तो आप लोग को देख कर बताती हूँ कि वो मूवी कैसी है, फिर मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगी। तो जी, यहाँ पे हमें नजर आ गया है रास्ते में एक फालसे वाला, और फालसों का सीजन आ चुका है। आप लोग बताइए किस किस को फालसे पसंद है। और ये हमारे फालसे आ चुके हैं, आप लोगों को खाने। आज है ईद का तीसरा दिन है और इतना रश है, आईने देखो जरा यार, आज सारी हैदराबाद की आवाम यहीं पर आ गई है। बाइकें देखो कितनी, बाइकों का रश, लोगों का रश, बच्चों का रश। वो कैसी आवाम जा रही है, सारे भर्ती हो रहे हैं अंदर, ऐसा पागल हुआ है सामान। ये सब क्या करने आए, घूमने आए? घूमने आया हूँ, तैयार हूँ, ईद पे घूमने आए हैं सब। शॉपिंग मॉल पूरा बंद था, सिर्फ सिनेमा और वो खाने वाले ही, फूड कोर्ट ही खुला हुआ था, हमें पता ही नहीं था, हम भी पहुंच गए। इतना रश, ओह गॉड। और हब्स हो रहा था बाकायदा, लोगों की वो निकल रही थी, गर्मियाँ निकल रही थी, तो हम भागे। हवाई इधर बहुत सारे लोग थे जो भाग रहे थे। हाँ यार, पता नहीं, आज प्लान बना कर आए थे, अब जॉन विक मुझे लग रहा है मैं नहीं देख पाऊँगी। अभी हमने घर पे जो बच्चे हैं उनके लिए हमने कुछ टॉयज ले लिए हैं, और अभी हम जा रहे हैं, हमने सोचा कुछ हल्का फुल्का सा खा लें, तो अभी हमने सोचा हल्के फुल्के में हम लोग बिरयानी खाएं हामिद की, हल्का फुल्का। यार मतलब हर जगह इतना रश है, पागल हो गए हैं लोग ईद पर, मतलब ईद पर भी वैसे क्या करें लोग, इसीलिए बाहर निकले। हम भी आज मूवी देखने जा रहे थे, लेकिन मूवी तो हम लोग देख नहीं पाए, तो हम लोग अभी हामिद आए हैं बिरयानी खाने के लिए। ऐसे कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, लास्ट थोड़ा पारा आने। अभी एक बलून बेचने वाली आ गई थी, मैं बलून वाली उन्हें बच्ची नजर आ रही हूँ, मैं बलून से खेलूंगी। यार मतलब ये भी वो नहीं करते क्या? अभी एक और ज़ॉम्बी आ रही है, माफ करो। कब आएगी यार बिरयानी, रश है बहुत ज्यादा, बिरयानी की अब क्रेविंग होना शुरू हो रही है, देर हो गई है काफ़ी। इसको देखें, ये भी लचा रहा है अपनी बिरयानी और बोतलें लेकर। ये रही हमारी बिरयानी, अब हम इसे खाएंगे, आप लोग खाते हुए भी दिखेंगे। आप ये तो हटाओ, बोतल भी आ गई। हामिद की बिरयानी का जो मज़ा है ना, वो हैदराबाद वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ये रहे अपने फॉलोअर्स। तो जी, बिरयानी खा ली है, अभी पेट में कुछ रौनक आई है, अभी कुछ और ढूंढ रहे हैं हम खाने का, और घर वालों को पता नहीं है कि हमें मूवी नहीं मिली। घर जाएंगे हम लोगों ने बताएंगे तो वो लोग हम पे कितना हंसेंगे।
रश देखे यहाँ पर आइसक्रीम हम घर आ चुके हैं। अब हमें अपनी बेइज्जती से काफी डर लग रहा है। अब लोग हम पे हंसेंगे। टॉयज हमें इसमें एक हादी का है और एक तो मारी है। यार हम अभी मूवी देखने गए, इतना रश ईद के तीसरे दिन पहुंच गए। लोग इतने पागल हुए हुए थे कि ना कि बस आजकल ऐसे ही हो रहा है, हर चीज मिस हो रही है। और वो ईद का तीसरा दिन हमने कहा था कौन आएगा, लेकिन वही को लगा था सर मूवी। आप क्या देखे? अच्छा आप जब गई नहीं थी तो मैंने देखे एक केक बनाया। यम्मी, ये खाने का है? हाँ है। तो चलिए हमें खिलाइए, हमें क्यों वेट करवा रही है। तो चलिए केक हमें दिखाने चलिए। मैं चाय पीती हूँ फिर। नहीं, मैंने थोड़े चंक्स लोगों को जो दे रही थी तो थोड़े चंक्स खाए। आपने मुझे लग रहा है नहीं खाया अभी तक। ये देखें कितना अपना बनाया हुआ केक खा रहा है। इसके वो बनाए ब्लॉग में डालें, मुझे भेज देना। दिखाएं कितना लिए। Generous amount of cake. अब हम हल्की फुल्की चाय पी रहे हैं। इस ब्लॉग का नाम तो खाना ब्लॉग होना चाहिए। देखने में मूवी जा रहे थे। दोनों चला रहे। अब मैं खाने जा रही हूँ आपका केक। मैं खाने जा रही हूँ केक। खाने पीने वाला ब्लॉग है ना आज। हम भी अगर वाकई में अच्छा है। कॉफी के क्या वाकई में बहुत मजे का नए छोटा लिया था डरते डरते, लेकिन ये अच्छा मैं और खा। क्या पका रही है? चावल, दाल और चावल। हमने तो कोरमा भी बनाया। ये सब हमारी मामा ने बनाया। फूड इज रेडी। टन टन टन। यार आज तो हम लोग वो मूवी देखने गए थे तो मूवी तो देखी नहीं। आज हमने इतना खाया बस फटने की देर है। मैं बताऊँ क्या क्या खाया। सबसे पहले हमने बिरयानी खाई, उसके बाद हमने बर्गर पार्सल ले लिए हैं रात के खाने के लिए, उसके बाद हमने घर पे आके चाय पी, उसके बाद आपका केक खाया, एक और केक खाया। अच्छा ये जो ये स्टॉप आपने यहाँ पे लिया है जी, तो आपने हमारे लिए कुछ लाना पसंद नहीं किया, मतलब वो पेट में चला गया। मैंने व्लॉग में दिखाया जल्दी जल्दी, बस जल्दी जल्दी खाए चले जा रहे हैं। इसी व्लॉग में अभी बताया कि आपने पार्सल भी कराया है, वो ऊपर रखे। काट इट। मेरे बिना जब तुम ऐसे करोगी मूवी देखोगी तो इसे कहते हैं इंस्टेंट कार्मा। आप वहाँ पे वो कर रही थी केक बना रही। इससे कहते हैं कि
खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा आप बोले बारा ने। इस ब्लॉग का नाम आज यही है, इतना खाया इतना खाया। तो जी इसी के साथ करते हैं आज का ब्लॉग खत्म। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में जरूर याद रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीगा और मदी हमें अगली बार कुछ मजे का सा बना कर खिलाएंगी। तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में क्या बना कर खिलाएंगे, बिल्कुल भी ना बताएं तो ज्यादा अच्छा। बाय।